हे हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अरविंद गुप्ता और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने घर में रहकर बिना ज्यादा पैसा खर्च किए अपनी बॉडी को, उसके अपने हाथ पैर को वाइटनिंग ब्लीच कर सकते हो, अपने स्किन को ग्लोइंग शाइनिंग इफेक्ट दे सकते हो, और किस तरीके से आप घर में पाए जाने वाले मौजूदा प्रोडक्ट के साथ अपनी स्किन की डेड लेयर को रिमूव करके एक ग्लोइंग स्किन रेडियंस दे सकते हो स्किन को। तो मुझे लगता है ये वाला वीडियो बहुत पसंद आने वाला आपको, क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्चे वाला नहीं है कोई प्रोडक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ सब चीज़ें घर में मिलती हैं। तो ये है बहुत ही अच्छा वीडियो, प्लीज़ आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे पहले आपको लेना क्या है, एक कटोरी लेनी है, उसके बाद एक चम्मच लीजिएगा, और आपके घर में जो पाया जाता है कॉफ़ी का सैशे नहीं पाया जाता तो प्लीज़ मार्केट से खरीद लीजिए। मेरे घर में तो कॉफ़ी सिर्फ मेरे पापा पीते हैं, मैं नहीं पीता ज़्यादा। तो इस तरीके से आप एक चम्मच कॉफ़ी लेना है आपको, या इस तरह का सैशे लेके उसमें कॉफ़ी डाल लेना है। कॉफ़ी की स्मेल मुझे भली पीने पसंद है, बट इसकी स्मेल क्या स्मेल है, ऐसे तो कच्चा खा जाओ। मुझे बॉर्नविटा खाना बहुत पसंद है, तो एक बार मैंने छोटे में क्या किया, ऐसी कॉफ़ी का शीशी रखी थी, मुझे लगा बॉर्नविटा की तरह मीठी होती होगी, और मैं गया, मैं पहले बॉर्नविटा चुरा चुरा के खाता था, तो मैं गया एक दिन ऐसे घर में बहुत छोटा था, फिर से कॉफ़ी का शीशी उठाई और ऐसे खुशबू सुनी, मैंने कहा क्या मज़ा आने वाला है आज, तो ऐसी चम्मच लिए मैंने और कप, और उसके बाद जो मैंने उल्टियाँ करी और ज़िंदगी में सीख ले ली कि हर चीज़ की जो खुशबू अच्छी होती है वो खाने में भी अच्छी हो, ऐसा ऐसा ज़रूरी नहीं। तो गाइस मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने ऐसी चीज़ें की होंगी, तो आप अब जो लोगों ने नहीं की वो गलती दोहराना मत, बहुत ही कड़वी बहुत ही गंदी होती है, लोग कैसे ब्लैक कॉफ़ी पीता है आई डोंट नो, मैं नहीं पी सकता। इसके बाद आपको लेना है ओके, तो दिस इज द कॉफ़ी। बेसिकली कॉफ़ी करता क्या है, कॉफ़ी हमारे स्किन के सन स्पॉट्स हैं और जो फाइन लाइन्स है उसको रिड्यूस कर देगा आपकी स्किन के, और आपकी एकदम ग्लोइंग और फ्रेश लुक देता है स्किन को, तो आपको ये बहुत ही अच्छा काम करेगा स्किन वाइटिंग। इसके साथ जब हम लेमन डालेंगे तो ये लेमन में एलस्कॉर्बिक जो वाइटामिन सी होता है वो स्किन लाइटिंग एजेंट होता है, तो स्किन को लाइटिंग इफेक्ट देता है, और साथ ही आपको टैनिंग वैनिंग है, सन स्पॉट्स हैं, इन सबको रिड्यूस कम कर देगा। और इसके साथ आपको लेना है बेकिंग सोडा, घर में मिल जाता है, आपकी मम्मी को पूछेगा, और अगर आप खुद मम्मी हैं तो आपको पता ही होगा बेकिंग सोडा क्या होता है, और नहीं बताया था कार मार्केट मिल जाएगा, किसी भी दुकान में आपको बेकिंग सोडा मिल जाएगा। आपको एक चम्मच बेकिंग सोडा लेना है और ऐसे इसको डाल देना है, और इसको प्लीज़ खाना मत, मैंने इसको भी एक बार गलती से खा लिया था मिल्क पाउडर समझ के, और बस फिर मेरे मुँह से झाग निकला। गाइस मैंने बहुत ऊटपटांग चीज़ें करता था बचपन में, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना, और प्लीज़ इसका मिक्सर तो बिल्कुल ही मत खाना, ये सब लगाने के लिए खाने के लिए नहीं है। इसको लेना है नींबू, इसको आधा कट करना है, आधा नींबू लेना है आधा बचा लेना है, क्योंकि नींबू है बहुत महंगे, अगर ऐसे बर्बाद करेंगे तो खूब सारा महंगा महंगा पड़ेगा आपको। तो दोनों को मिक्स करके मैं इसमें आपने शक्कर डाल दी ताकि वो स्क्रबिंग इफेक्ट देगा, और तो शक्कर डाली हमने, शक्कर क्या करेगा आपका जो डेड लेयर होता है, आप देखेंगे जो भी स्क्रबर आप यूज़ करते हैं उसमें वो दरदरापन होता है, दरदरापन मतलब सॉलिड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, और जब उसको रगड़ते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से क्या होगा वहाँ पे वो डेड लेयर को, जो हमारी डेड लेयर एक्यूमुलेट हो जाती है स्किन की लेयर में, और जिसके कारण हमारी ग्लोइंग स्किन नहीं दिखती है, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। तो आपको ये क्या करना है, ये नींबू लेना है, नींबू कैसा करना है, नींबू के अंदर विटामिन सी होता है विच इज़ अ स्किन लाइटिंग एजेंट, कॉफ़ी भी आपको स्किन लाइटिंग एजेंट देगी, जो बेकिंग सोडा है वो आपके लेयर डेड लेयर को एक्सफोलिएट करेगी, वहाँ पे जो पोर्स में डर्ट है उसको रिमूव करने में हेल्प करेगी, अनक्लॉक करेगी, आपके एंटी बैक्टीरियल वर्क करती है, बैक्टीरिया को अगर हो रहे होंगे तो उसको फंगल इन्फेक्शन खत्म कर देगी, वाइटनिंग इफेक्ट देगी, और जो ब्लेमिश होते हैं उसको भी रिड्यूस कर देगी, तो उससे क्या होगा एक बहुत ही अच्छा ग्लोइंग शाइनिंग और इवन टोन स्किन मिलेगी। तो इस टाइप का आपको पेस्ट बनाने के बाद आपको इसको जस्ट ऐसे मिक्स करके आपको उसको स्क्रब करना है फॉर 5 मिनट, याद रखिएगा 5 मिनट आपको प्रॉपरली लगा के इसको स्क्रब करना है, ऐसे रगड़ना है, ऐसे लगा के छोड़ने का नहीं है, छोड़ देंगे तो क्या होगा ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज जब तक उसको रगड़ेंगे नहीं डेड लेयर नहीं निकलेगी, ठीक है। तो अच्छे से शक्कर डाल लीजिएगा और फिर इसको प्रॉपरली लगा के 5 मिनट इसको करना है, ऐसे पूरी बॉडी में करना है, नहाते समय करिएगा वरना ऐसे तो पता कचरा कर देंगे घर का, जो मैंने अपनी लाइफ का कचरा कर दिया है, लगा के तो नींबू का विटामिन सी आपको मिल रहा है विच इज़ वेरी गुड एंटी ऑक्सीडेंट, ठीक है, और कॉफ़ी के इफेक्ट मिल रहे हैं आपको, शुगर से वहाँ की पूरी डेड लेयर निकल रही है, स्क्रबिंग में हेल्प कर रही है, और बेकिंग सोडा से जो पोर्स हैं वो अनक्लॉग हो रहे हैं, एक्सफोलिएट होगी डेड लेयर,
आपका जो पीलिंग का इफेक्ट रहती है, जो आप लैब क्लिनिक में जाके पील कराते हो, बॉडी पील कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, तो उससे क्या होता है डेड लेयर को रिमूव करते हैं। डेड लेयर जब रिमूव हो जाती है तो वहाँ पे एक शाइनिंग लुक आ जाता है। जैसे कि आप देखेंगे काली मिट्टी में जब लाइट मारेंगे तो काली मिट्टी लाइट को खा जाती है, मगर जब आप टाइल्स में लाइट मारेंगे तो रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि वहाँ पर डेड लेयर नहीं होती है। तो ऐसे ही जब स्किन में डेड लेयर नहीं होती तो एकदम शाइनिंग, जब आप पार्लर जाते हो स्क्रबिंग करने के बाद करते हैं चेहरा चमचमाने लगता है, क्योंकि डेड लेयर निकल जाती है। तो घर में भी आप कर सकते हो, आपको महंगे महंगे पार्लर में जाके ये स्क्रबिंग ब्लीचिंग कराने की जरूरत नहीं है। खैर ये तो मैं सिर्फ छोटा सा एरिया करके दिखा रहा हूँ। जब नहाएंगे तो अच्छे से खूब सारा बनाइएगा, खूब सारा अप्लाई करिएगा, खूब सारा लगा लगा के ऐसा करिएगा और फिर खूब सारा पूरे हो जाएगा। 15 दिन में एक बार कर सकते हैं आप, और फिर मैं तो टिश्यू साफ कर रहा हूँ, आप नहा लीजिएगा। आपको नहाना है, अच्छे से सनस्क्रीन लगाना है, और ये आपको एक अलग ही शाइनी अच्छा सा स्किन को डेड लेयर निकाल के एकदम शाइनी लुक, ग्लॉसी लुक देगा। जब डेड आप फर्क देख सकते हो डेड लेयर निकलने के बाद और अभी, देखो यहाँ पे डेड लेयर है पूरे में, तो ये अलग ही पार्ट आपको चमचमाता निर्मा की सफेदी दिखेगी, सरफेस टाइट। तो गाइस मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर। यार सच में यार देखा 5 मिनट में किस तरीके से आप गोरी त्वचा पा सकते हैं, ये वीडियो में बहुत मजा आएगा आपको। प्लीज को शेयर जरूर कीजिएगा, जितने लोगों को दिक्कत उनको जरूर शेयर कीजिएगा, और खूब सारा लगाइए बॉडी के ऊपर और बॉडी को चमचमा लीजिए। और अगर आप खुद नहीं कर पाए तो आप प्लीज़ आप घर में भी किसी भी अपने मेड को या किसी भी स्टाफ को या पास हो तो उनको बोल दीजिएगा कि वो लेके हाथ से रगड़ के पूरे पेट पे बॉडी पे सब जगह रगड़ के मसाज भी करा लीजिएगा। इससे तो और अच्छा फीलिंग आएगी, क्योंकि लिम्फेटिक ड्रेनेज हो जाएगा वहाँ से, जब मसाज करेंगे तो लिम्फेटिक ड्रेनेज होगा, तो आपकी बॉडी भी और अच्छा हेल्दीली टॉक्सिन को रिमूव करने में हेल्प करेगी और आप अंदर से भी हेल्दी हो जाएंगे। ये बहुत चिपचिपा रहा है, मैं इसको जाके धो लेता हूँ। तो गाइस मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे इंस्टाग्राम पर बताइएगा जरूर, और मेरी आईडी डॉक्टर अभिन गुप्ता, मुझे फॉलो कीजिए, और कुछ कुछ नए नए मैं वीडियो बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर, और मेरे को फॉलो और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।